वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपको अमोनिया टेस्ट करना हम बताएंगे। अभी तक के लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिश फार्मिंग में अमोनिया का क्या रोल है। अमोनिया बायोफ्लॉक टैंक में 0.25 ppm, उससे नीचे होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अमोनिया 0.25 ppm से अधिक निरंतर आपके टैंक में बना रहता है तो उससे मछलियों को बहुत सारी बीमारी हो सकती है, मछलियां मर सकती हैं, क्योंकि अमोनिया पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है। तो चलिए, हम ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टैंक, ये 50,000 लीटर का टैंक है और इस टैंक में अभी रोहू और कतला का पालन हो रहा है, रोहू और कतला का कल्चर हो रहा है। इस टैंक में हमने लगभग 70 ग्राम से लेकर 125 ग्राम्स का रोहू और कतला का बच्चा डाला था हमने, और इस कल्चर को लगभग 2.5 months हो गया है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 3.5 महीने और इसका कल्चर होगा और लगभग टोटल 6 महीने में ये 800 ग्राम से 1 kg के बीच हो जाना चाहिए। इसका जो भी अपडेट होगा, हार्वेस्टिंग होगा, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। और इसमें जो हमारा पंप यूज़ हो रहा है वो डायफ्राम पंप यूज़ हो रहा है, तो ये सारी जानकारी भी हम आपको टाइम टू टाइम डिटेल में देते रहेंगे। तो चलिए, पहले हम अमोनिया चेक करके आपको बता देते हैं। अमोनिया टेस्ट करने के लिए जो अमोनिया टेस्ट किट का हम प्रयोग कर रहे हैं वो फिश विज्ञान का लाइफ प्रो अमोनिया टेस्ट किट है, और काफ़ी एक्यूरेट टेस्ट किट है ये। आप मार्केट में जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अमोनिया टेस्ट किट होगा उससे आपको बेहतर रिज़ल्ट देगा, उससे आपको कम रिज़ल्ट नहीं देगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने हर टैंक के लिए एक डेडिकेटेड मग रखा हुआ है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है एक टैंक में तो वो प्रॉब्लम या बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूसरे टैंक में नहीं जाना चाहिए। तो हम इस टैंक से पानी ले लेते हैं। ये अमोनिया टेस्ट किट में इसके साथ इस बॉक्स के अंदर एक आपको ये टेस्ट ट्यूब मिलेगा जिसमें 5 ml का मार्किंग यहाँ पर किया हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर 5 ml की मार्किंग है। तो आपको टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी ले लेना है। ये हमने 5 ml पानी ले लिया है, और बहुत सरल है अमोनिया टेस्ट करना। इसमें दो रिजेंट्स आते हैं जो केमिकल अमोनिया को टेस्ट करने के लिए प्रयोग होता है, जनरली हम उसको रिजेंट बोलते हैं। तो इसमें देखिए, ये बॉटल वन है, यहाँ पर बॉटल वन, यहाँ पर वन लिखा हुआ है। तो रिजेंट वन हम लोग 8 drops लेंगे, 8 drops। ये 8 drops हमने इसमें रिजेंट वन डाल दिया, और 8 drops अपने को रिजेंट टू डालना है। ये 8 drops हमने रिजेंट टू डाल दिया, और आफ्टर दैट यू हैव टू कैप दिस, इसका कैप लगा देना है बॉटल का, टेस्ट ट्यूब का, और उसको शेक करना है। यू हैव टू शेक इट वेल, मतलब खूब अच्छे से उसको शेक करना है। और ये देखिए, शेक करने के बाद ये कुछ ऐसा कलर दिख रहा है, येलो। इसको 5 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। तो हम इसको 5 मिनट्स के लिए यहाँ पर रख देते हैं, और 5 मिनट्स के बाद हम फिर आपको बताएंगे कि कितना अमोनिया है। तो चलिए, 5 मिनट हो गया है और अब 5 मिनट बाद देखते हैं कि कितना अमोनिया है। अमोनिया टेस्ट किट के साथ
दो कलर चार्ट आता है, ये देखिए दो कलर चार्ट आता है, एक में सॉल्ट वाटर लिखा हुआ है, सॉल्ट वाटर अमोनिया टेस्ट, और एक में फ्रेश वाटर अमोनिया टेस्ट। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूँकि वो बायोफ्लॉक में 1 ग्राम पर लीटर नमक डालते हैं तो वो सोचते हैं कि ये सॉल्ट वाटर हो गया है। वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये फ्रेश वाटर है, बोरवेल का वाटर है, और फ्रेश वाटर में 1 ग्राम पर लीटर नमक डालने से वो सॉल्ट वाटर नहीं होगा, सलाइन वाटर नहीं होगा। सॉल्ट वाटर जनरली जो समंदर का पानी होता है उसको सॉल्ट वाटर या सलाइन वाटर बोला जाता है। समंदर के पानी में नमक एवरेज 30 से 35 ग्राम पर लीटर होता है, दैट इज 30 to 35 PPT, और इसमें हमने केवल 1 ग्राम पर लीटर डाला है, तो 1 ग्राम पर लीटर डालने से ये सॉल्ट वाटर नहीं होगा, ये फ्रेश वाटर ही रहेगा। और फ्रेश वाटर उसके लिए हमको जो चार्ट लेना होगा वो फ्रेश वाटर चार्ट लेना होगा। तो ये फ्रेश वाटर चार्ट के पास ये देखिए, ये जो वाइट एरिया है, इस टेस्ट ट्यूब को आपको उस वाइट एरिया पर रखना है ऐसा, और इसमें बिल्कुल लाइट में देखना है, जो लाइट पड़ रहा हो, अभी देखिए इसमें लाइट पड़ रही है, और उससे आपको इसको मैच करना है। अगर आप देखिए अभी मैच करोगे तो जो सबसे पहला चार्ट में अमोनिया है वो 0 PPM है, बिल्कुल येलो, द फर्स्ट वन येलो कलर 0 PPM, सेकंड वन इज़ 0.25 PPM, और ऐसा करके ये अमोनिया बढ़ रहा है। जैसे जैसे अमोनिया की मात्रा अधिक होगी वैसे वैसे आपका अमोनिया, ये जो पानी है इसका कलर ग्रीन होता जाएगा। ये देखिए जो लास्ट वाला है ये डार्क ग्रीन है, ये 8 PPM अमोनिया बताता है। तो हम लोग का जो टेस्ट ट्यूब में पानी है उसका कलर ये पहले वाले से मैच हो रहा है, फर्स्ट कलर से, मतलब इसमें 0 अमोनिया है, इसमें कोई भी अमोनिया नहीं है। और इसमें जो प्रोबायोटिक का प्रयोग हो रहा है वो फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक यूज़ हो रहा है, फिश विज्ञान का लाइफ प्रो प्रोबायोटिक का प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारा अमोनिया बिल्कुल 0 है। तो आशा करते हैं कि आपको अमोनिया टेस्ट करने की विधि समझ में आ गई होगी, और जो फिश विज्ञान का अमोनिया टेस्ट किट है उसको प्रयोग करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारा कॉल सेंटर नंबर है 9330025191, और दूसरा नंबर है 9330025195, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।